मुजरा कर सकते हो अगर आपको मुजरा करना है तो। दो साल के बाद मिल रहा है फिर भी गले नहीं लग रहा है भाई साहब देखो। लड़का के इंग्लिश कमजोर रहे, इंग्लिश फिल्म देखे लगला, टाइम कम हो गया। नानी और सब दंत तरे न बाटे। अरे दे दिया था वे खाली। गुड मॉर्निंग गाइस, तो दिन की शुरुआत करते हैं, आपको एक अपने दोस्त से मिलाता हूँ जो दोस्त से दो साल बाद मिलने वाला हूँ मैं आज, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है। और जस्ट अभी मतलब वो आने ही वाला है, इसके भी घर के जस्ट क्लोज ही हूँ, तो देखते हैं कैसा वो उसका रिएक्शन रहता है। ठीक है, ये हमारा बानर सिग्रियु और वो बजरंगी, ये बानर गाइस बस है। गले से यही होता है, दो साल के बाद मिल रहा है फिर भी गले नहीं लग रहा है भाई साहब देखो। अरे भाई डाला यूट्यूब पे गाइस देखो, ये सरवार अभी मतलब ये मतलब मेरा ये ब्लूटूथ चेक कर रहा था, इसने गिरा दिया नीचे। क्या बोलूं, मतलब जो जो जिस चीज का लक्षण होता है ना, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं, वही आज इसने दिखाई दिया। मतलब छोके वाला तो छोड़े ना। अरे बात ना, देख फिर से गिरा रे गाइस। हाँ बस इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका लक्षण ही वही है। मतलब मेरा अभी देखो फिर से ये हेडफोन ले लिया था, क्या ही बोलूं, मतलब दो साल के बाद मिलते मिलते फिर से वो अपना वही लक्षण दिखाना, इसी को बोलते हैं ट्रू फ्रेंड, है ना बानर? ठीक बात है, अभी जाते ही देख बेइज्जती होता, अभी जाते ही शाम की मिले, ठीक बा। तो अभी उसको काम था तो मेरे साथ नहीं आ सका, तो अभी मैं जाता हूँ सीधा अपने मतलब मार्केट में, नहाए हैं आज घर पे, तो उनकी तबीयत खराब है, तो सीधा चलते हैं दवाई लेके और घर पे मिलते हैं, ठीक है बाबू के साथ। आरू सॉरी ना बाबू सॉरी, चलो चक्कर खाने चलते हैं। बताए अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था, ये मतलब खेल रहा था, मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा था, या इसके पता नहीं अचानक इसके माइंड में क्या आया, ये मेरे को जोर से मारने लगा, मेरे को आया गुस्सा, मैंने इसको दो जड़ दिया, तब ये रुस गया मेरे से, तब इसको मनाते हैं। आरुष सॉरी ना यार, चलो चॉकलेट खाने चलते हैं यार। आरुष चलो चॉकलेट खाने चलते, चलो आ जा। नहीं आ रहा है तो क्या खाएगा बताइए, क्या खाएगा? टॉफी। क्या खाएगा टॉफी में? क्या खाएगा? बॉय टॉफी। क्या बॉय टॉफी? बहुत सारा टॉफी, हैप्पी स्टार, डेरी मिल्क, कौन सा? डेरी मिल्क। पापा से पैसा मांग, पापा क्या? हाँ पापा का फोन लगा, बोल जा दीदी से और मम्मी से बोल कि मम्मी मेरे को डेरी मिल्क खाना है, पैसा दो। अभी तो कोई कहाँ पे चढ़ा है, जा सकता है साइड से भी, लेकिन चढ़ के जाना है पैर पे ही। ये मतलब पता नहीं छोटे बच्चे को पता क्या हुआ रहता है, उनका पता नहीं हरकत ही ऐसी रहती है, उनको गुस्सा जाता है। अभी देखो कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मम्मी के पास पैसा मांगने, चल तो देखते क्या कर रहे हैं। मांगो चश्मा छीन रहा है अभी, जस्ट ये पापा बोला ना, तू बीच में बोल रही थी इसलिए नहीं बोला वो। कैसा इसका इसका स्माइल बहुत ज्यादा प्यारा है, जब भी ये सोता है ना ये आवाज करता है, ऐसे ही आवाज करता है सोता है तो। ये पता नहीं इसका आदत है कि क्या है, बट इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी ये सोने वाला है। अब ये कैमरे को देख के ये नहीं सो रहा है, बट इसी से ये देखो बोल रहा है ना, बोला ये मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें एक बार नोटिस करो। गाइस स्टिंग, मेरा दोस्त बाहर से कमा गया है तो मेरे को पार्टी दिया है, बट दुख की बात यह है कि मेरे को भी इसमें 10 रुपये डालना पड़ा, ये बहुत ज़्यादा मेरे को दुख लग रहा है इस बात का। कुछ कहना चाहता है, इतना पैसा कमा का या फिर भी तू क्यों इतना ऐसा क्यों? दोस्ती भी इतना चलता है, इतनी खुशी मुझे अरे जी दोस्ती भी इतना चलता है गाइस। धानी और सब धन तरे न बाटे। अरे दे दिया था वे खाली। ठीक है गाइस, ज्यादा डबल मीनिंग बातें हो रही है तो ये सब साइड में रखते, क्योंकि मेरा ब्लॉग फैमिली फ्रेंडली आता है। ठीक है, अब मनुष्य लग रहे हो मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, अभी देखो मौसम कैसा है, अभी हम लोग यहाँ पे तीन हैं और यहाँ पे हमारा ये अभी न्यू मेंबर आया है, मतलब न्यू मेंबर नहीं है, पुराना मेंबर है, बट दो साल से मतलब पैसा कमाने के चक्कर में बार भाई पैसा कमा रहा है, मैं मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो इससे थोड़ा सा मैंने आज पार्टी मांगा तो इसने सिर्फ 20 रुपये का स्टिंग पिलाया, मतलब जो महीना में जो 1-6 दिन में जो 50 रुपये कमा रहा है वो सिर्फ 20 रुपये का स्टिंग पिला रहा है, मतलब समझ सकते हो आप।
तो ये सब दुख दर्द पूरा देखा नहीं जा रहा है। और हमारे ग्रुप का एक और मेंबर नहीं है, वो सासाराम है। हम लोग अभी फिलहाल इतने हैं। आंटी लवर अभी सासाराम है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे आंटी लवर अरे चावरा का बात आई हला काटे का बड़ी अभी अपलोड नहीं होगा। वही ना अपलोड हो ही। अरे आपको व्यू दिखाता हूँ, मतलब इतना तगड़ा व्यू ना, आप देख के खुश हो जाओगे ठीक है। मतलब इतना तगड़ा व्यू। और आपको एक चीज मस्त दिखाता हूँ, देखो भाई साहब ये सिर्फ गांव में देखने को मिल सकता है। मतलब पूरा खाली 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 खाली, कहीं भी आसपास कोई कुछ नहीं, एकदम मस्त सीन। तो यहाँ पे आप अपना जो भी मतलब जो भी, जैसे कि शहर के लोग ऐसे रील्स वील्स बनाते हैं, आप यहाँ पे आके अपना रील्स वील्स बना सकते हो, एकदम मस्त। लेकिन हम लोग बनाते नहीं है, यही हमारी हिला सकते हैं आप। हाँ मुजरा कर सकते हो अगर आपको मुजरा करना है तो, क्योंकि मुजरे वालों की कमी हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा है। अगर आपको और हम मुजरा करने वाले नहीं है। हाँ हम यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर अभी मतलब 1.3 के सब्सक्राइबर हुए, इससे यूट्यूबर बोल रहा है भाई, क्या करें। एक सब्सक्राइबर हो चाहे दो सब्सक्राइबर हो, यूट्यूबर ही हो। अरे भाई साहब इतना मोटिवेट, इतना मोटिवेट मैं आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना आज हो गया मैं। तो बस मैं आज से अपने आप को यूट्यूबर मान लेता हूँ, बट पता नहीं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यूट्यूब छोड़ना पड़ सकता है। तो गाइस अभी आपको मतलब कुछ देर बाद आपको मैं अपना सबसे अच्छी यहाँ का सबसे तगड़ा व्यू दिखाऊंगा, मतलब जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो मतलब मेरा पर्सनल मेरा फेवरेट प्लेस बोल सकते हैं उसको। मैं हमेशा हम लोग जाते थे वहीं पे, जो भी अपना नहाना धोना मतलब एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वो जगह है, आपको वो जगह का दिखाऊंगा। तो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है वहाँ पे, मतलब छठ होता है, आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ जाके लास्ट तक बने रहना ब्लॉग में। और देख रहे हो वो भी तो भाई साहब जो लास्ट वाला है भाई, वो तो बात बोल सकते हो सुग्रीव है बानर है, लेकिन फिर भी उसके पास बनरी होनी चाहिए थी। बात तो सही है। नहीं अरे भैया ठीक है ले ली दे दे वे देना। देखो गाइस अश्लीलता, देखो गाइस डबल मीनिंग मिला रहा है, ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरा ब्लॉग फैमिली फ्रेंडली है ठीक। तो गाइस अभी मैं आपको अपने मतलब यहाँ का सबसे मस्त जगह दिखाता हूँ, जो मतलब एक नंबर मेरे को लगता है, बहुत ज्यादा प्यार लगता है। आप ये देखो यहाँ का ये व्यू एक नंबर तगड़ा। अरे बानर एक नंबर है भाई साहब, ये देख रहे हो पूरा मतलब मस्त जगह। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इस अंदर इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं कि एक बार मैं इसमें नहा रहा था तो एक मछली ने मेरे को बाइट किया था, हल्का सा मेरे को मतलब उसका दाग आया था, बट इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ की मछलियाँ इस जल की मछलियाँ मतलब कोई नहीं खाता है इसमें की मछलियाँ, इसलिए इसमें की हमेशा ये मछलियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। और अभी पानी कम है, जितनी मछलियाँ होंगी सब अंदर होगी। तो हम लोग यहाँ से उस पर जाके उस पर से चढ़ के कूदा करते थे, बहुत मस्त। और हमको मतलब जिसने मेरे को ट्रेनिंग दिया है स्विमिंग के लिए, वो महान इंसान ये है, मतलब इसने मेरे को 1 वीक में सिखा दिया था। मैंने 1 वीक में यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ जाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और आपको इस जगह का और चारों तरफ दिखा देता हूँ कैसा भी है। शाम का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा ये हो रहा है, अब देखो लाइट प्रॉब्लम, हाँ लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है आपको बाहर का जल्दी जल्दी व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो भोलेनाथ का मतलब जो उनका गले में रहता है शेषनाग, उनकी ये है मूर्ति यहाँ पे लगी हुई। और यहाँ जस्ट आओगे तो सबसे फेवरेट सबसे मेरे मतलब बचपन में जिनका नाम लिया करता था, जय बजरंग बली, आज भी यहीं पे। और इनका ये बजरंग बली का। और यहाँ पे सबसे एक और चीज़ सबसे एकदम यूनिक चीज़ बताता हूँ, जो आप इधर आओ आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। ये आप देखो इसके अंदर एक गुफा है, आपको देखो इसके अंदर एक गुफा है जिनका नाम था संत डोमा बाबा, वो इसके अंदर ही रहा करते थे, वो बाहर आते ही नहीं थे। यहाँ की जगह की सबसे खासियत ये है कि इसके अंदर एक गुफा है, वो उसी के अंदर वो मतलब रहा करते थे, उसी के अंदर तपस्या करते थे, तब जाके ये मतलब उससे पहले का ये बना हुआ है पोखरा जो भी है, बट ऐसा है इसका सीन। इसके अंदर मतलब एक पंडित अभी भी कभी कभी जब छठ का टाइम होता तो जाते होंगे, बट एनी टाइम हमेशा ये बंद ही रहता है। ये उनका कुछ डिटेल्स हैं, आप टाइम निकाल के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। भाई ये मतलब एक नंबर ये जगह पे, इसके अंदर आज तक मैं कभी नहीं गया, मतलब सिर्फ हाँ गया हूँ जब कभी आरती दिखाने के लिए होता है तो सिर्फ अंदर तक ही गया हूँ, बस इसके नीचे कभी नहीं गया मैं। आइए अगर कोई अगर जिससे कोई होता है ना जो ये सब कोई जाँच करता है तो आके चेक कर सकता है। और आपको और मस्त चीज़ दिखाता हूँ इधर आप, यहाँ पे ये मतलब एक तरह से इसके अंदर भी पूजा होता है, बट ये इसके अंदर एक और चीज़ खासियत है, इधर कुछ दिन पहले बन चुका है, इसके अंदर शादी भी होता है। अब मतलब शादी जैसे कि किसी को उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पे भी शादी होता है, अब शादी होने लग गया है तो ये यहाँ पे है। अभी मतलब मैं नहाया धोया नहीं हूँ तो बस बाहर से प्रणाम करके चलते हैं। और यहाँ पे मतलब छठ के दिन या जो भी मतलब होता है मतलब क्या उसको बोलते हैं आकाश, कभी कभी लड़की आती है ना पूजा करने के लिए हर चीज़ के लिए,
मन्नत। हाँ वो तो उसी चीज़ के लिए, और बहुत सारी कभी कभी पूजा रहता है तो वहाँ पे भी आती है। और आप यहाँ का ये व्यू देखो, एक नंबर है। मतलब सबसे यहाँ पे मतलब एक चीज़ मस्त लगता है कि जब भी छठ होता है ना तो पूरा ये पूरा फील्ड भरा हुआ रहता है, इतना सात गाँव का ये धार्मिक स्थल है। हाँ मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब उस टाइम छठ पे ये कैसा लगता है। अगर कभी मैं छठ में यहाँ पे रहा तो मैं इसका ब्लॉग पक्का बनाऊंगा 100%। ये हमारे सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर शायद मैं नोटिस करता हूँ कि मतलब सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है सूर्य मंदिर। और मैंने बाकी जब भी मैं कितने सारे स्टेट में गया मेरे को सूर्य मंदिर देखने को नहीं मिला, तो ये सूर्य मंदिर है। और बैनर जो भाई पुलअप पुलअप कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आकाश तू भी जगह दिखा, एक बार दिखा दे मेरे सकते हैं। आओ मैं ही करके दिखाता हूँ। अरे सलाह दी मेरे को, टाइम हो गया, पता नहीं हो पाया कि नहीं हो पाएगा, पर देखते हो जाए। बेड वाला पुलअप कर बे। राजा जी उसे पुलअप करे कभी टाइम बाद। पुलअप ना बेड पे पार कर दे। कुछ ना आपके सामने मतलब प्रस्तुत है बानर कुमार, देखिए हमारे पूर्वज, हमारे जिनसे हमारी दुनिया विकसित हुई है। तो कृपया करके सर कुछ दिखाए अपना कर्तव्य। सर दिखाए क्या हुआ? ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सबसे पहले लेके शेर चढ़ रहे हम काय चलाओ कब का तुम का। अच्छा अच्छा एक पहले ऐसे निकलो ये जी। या जय बजरंगबली। कह रहे खाते गिरा रहे का खा रहे गिरा रहे कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। अब करे कल सुबह ना करे कोई बात नहीं। कहेगा कि लाइक है कि इंग्लिश कमजोर रहे, इंग्लिश फिल्म देख लगा टाइम कमजोर हो गया। विजमल 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 क्या बोला, ये बोल रहा है कि लड़का का इंग्लिश कमजोर था तो इंग्लिश मूवी देखने लगा, अब इसका पैर कमजोर हो गया। एक नंबर लाइन भाई साहब। तो गाइस अभी सबसे प्रो लेजेंड ये आकाश, इसका देखना, इसका अलग ही करने का तरीका है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मत खोल यार पूरा लाइव तरह भी सन। अरे जोन मेरे को का एक को कमेंट डाउन निकाल देना आई छोड़ दिया है वर्कआउट करना। अब उतरा फिर सब आज खेसारिया के गिरे देखो गाइस इसका बैग देखो कहाँ से है भाई साहब। लड़का लग रहा जना रहा है। ये नॉर्मल फोन का कैमरा है, आपको बुलाई डाली है, प्लीज इसको इग्नोर करें और पूरा फोकस इसके बॉडी स्ट्रक्चर और इसके मतलब जो हाथ में दम उस पर फोकस करें भाई साहब। ऐसा है मतलब तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। और आप पीछे का एक बार व्यू देखो, इधर आकर देखो आकाश फोन में क्या दिख रहा है, पूरा ब्लू ब्लू ऑसम दिख रहा है। मतलब पीछे एक बार व्यू देखो, का ही खतरनाक लग रहा है भाई साहब, लग रहा है किसी दूसरे प्लेनेट घूमे। एक बार आके तो भी देख ले ये सही में मतलब अपन मतलब क्या। ठीक है गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।